सो हे गाइज व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू बॉडी चैनल ऑप्शन फोटोग्राफी। गाइज नागपुरी फोटोडिंग कैसे करना यह तो हमने आपको बतला ही दिया है, लेकिन यार उस वाले वीडियो में बहुत सारे भाई कमेंट करके ये बोल रहे थे कि भाई प्रीसेट दे दो या फिर जो तुम लाइटरूम एप्लीकेशन उपयोग कर रहे हो वो दे दो। तो भाई आपका सारा डाउट हमने इस वाले वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें इतना आसान तरीका बताया इस तरह का फोटो एडिट करने का कोई भी कर लेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप एक कलर में इस तरह का फोटो बना लेते हो तो आप जिस कलर में चाहो वैसा कलर में फोटो बना सकते हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट इतना ही कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे भाई सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, जिस फोटो को एडिट करना रहेगा उस वाले फोटो को आप लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना। अगर आपको नहीं ऐड करने आता है तो नीचे में ऐड फोटो पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। फोटो को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई सा भी एक ब्लैक कलर प्रीसेट को यहाँ पर ले लेना है। देख सकते हो मैंने डार्क कलर प्रीसेट को यहाँ पर लिया है। आप चाहो तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इस प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर प्रीसेट को ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में थ्री डॉट का एक टूल देखने को मिलता है, तो इसी वाले थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर एक कॉपी सेटिंग के नाम से टूल आता है, तो इसी वाले कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप वाले टूल को छोड़ के बाकी सारे टूल को यहाँ पर मार्क करना है इस प्रकार। और जिस फोटो को नागपुरी फोटो एडिटिंग करना है उस वाले फोटो पर क्लिक करना एंड दोबारा से यहाँ पर थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि ये रहा। तो इसी वाले थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर इसको पे सेटिंग कर लेना। पे सेटिंग करते ही वन क्लिक के अंदर आपका फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर एडिट हो जाएगा, जो कि बिफोर आफ्टर यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे में मार्किंग का एक टूल देखने को मिलता है, तो इसी वाले मार्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मार्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस का एक बटन देखने को मिलता है, तो इसी वाले प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और नीचे की साइड में कलर रेंज का एक टूल देखने को मिलता है, जो कि ये रहा, तो इसी वाले कलर रेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है इसको अपने बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस टाइप से रखना है। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप इस कलर को देना तो यहाँ पर आपके फेस पर ये कलर ना आए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके देखता हूँ, जहाँ पर हमारा फेस के ऊपर कलर ना आए वहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुका है, जो कि देख सकते हो फेस के ऊपर बिल्कुल भी कलर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो मैं इसी को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको अमाउंट देखने को मिलता है, तो इसके अमाउंट को बस हल्का सा आप लोग माइनस स्कोर कर लेना इस तरह से। एंड अब यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे में आपको कलर का एक टूल देखने को मिलता है, तो इसी वाले कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और सबसे पहले इसके टेम्प को प्लस की ओर करना है इस प्रकार से। इसको प्लस की ओर करने के बाद नीचे में आपको सैचुरेशन का एक अमाउंट देखने को मिलता है, तो इसके अमाउंट को आप लोग प्लस की ओर कर लेना। प्लस की ओर करते ही आपके फोटो में कलर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि देख सकते हो आ चुका है। अब इसके टिंट को भी प्लस की ओर कर सकते हो इस प्रकार से अपने हिसाब से। बाकी अब नीचे की साइड करोगे तो यहाँ पर दो कलर देखने को मिलेगा, सबसे लास्ट वाले कलर को सिलेक्ट करना है और जो आपको बैकग्राउंड के अंदर रखना है कलर, उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि देख सकते हो ये ऑरेंज कलर हो रहा है, येलो कलर हो रहा है, हर तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चीज आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो जो आपको कलर रखना होगा। तो मैं इसको हल्का सा ग्रीन कलर में रखता हूँ इस प्रकार से, और जो कलर हम लोग नीचे में रखे हैं उसी कलर को हम लोग ऊपर की साइड भी इस प्रकार से कर लेते हैं। इतना काम करने के बाद यहाँ पर बस इसको डन करना है इस प्रकार से। डन करने के बाद अब एडिट वाले टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करके यहाँ पर सैचुरेशन के अमाउंट को बस हल्का सा इंक्रीज करना है इस तरह से। बाकी अब इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोटो में विंटेक को यहाँ पर कुछ इस टाइप से दे देना और हल्का सा टेक्सचर को भी यहाँ पर बढ़ा देना, ताकि आपका फोटो HD के अंदर बने। और यहाँ पर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके शार्पनेस वगैरह को जरूर से बढ़ा लेना। इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर की साइड में शेयर का एक टूल देखने को मिलता है, तो इसी वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर शेयर करना है। इस वाले ऐप के अंदर पिक्सआर्ट ऐप के अंदर अपने फोटो को शेयर करने के बाद डायरेक्ट आपको यहां पर क्या करना है, नीचे में इफेक्ट का एक टूल देखने को मिलेगा, तो इसी वाले इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। एंड नीचे में सिंपल के नाम से इफेक्ट आएगा, तो इसी वाले सिंपल को सिलेक्ट करके इसको सबसे लास्ट में करना, तो सबसे लास्ट में सैचुरेशन का एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसी वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना और इसके अमाउंट को कुछ इस टाइप से हल्का सा बढ़ा लेना। और ऊपर में इजब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बैकग्राउंड के ऊपर कर लेना। बैकग्राउंड के ऊपर करने के बाद यहाँ पर इसको डन करके अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट वगैरह करके यहाँ पर इसको डन करना।
अब आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में भी कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके थर्ड वाले कलर को सिलेक्ट करना है और इसके सर्कल को बैकग्राउंड के ऊपर रख के यहाँ पर कुछ इस टाइप से छोड़ देना है और जो कलर यहाँ पर पसंद आए यहाँ पर अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कितना मस्त मस्त कलर यहाँ पर आ रहा है। मैंने फिलहाल यही कलर को ऐड कर लिया है और अभी यहाँ पर इसको डन करता हूँ। अब नीचे की साइड में स्टिकर का एक टूल देखने को मिलता है तो इसी वाले स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग व्हाइट लाइट लिख के सर्च करना। व्हाइट लाइट लिख के यहाँ पर इसको सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारा PNG देखने को मिलता है तो आप लोग सेकेंड वाले PNG को सिलेक्ट करना और इसको हल्का सा बस स्ट्रेच वगैरह करके कुछ इस टाइप से यहाँ पर एडजस्ट करना। एडजस्ट करने के बाद अब नीचे में ऐड फोटो के टूल पर क्लिक करना है और जो भी आपका नागपुरी फोटो एडिटिंग लोगो रहेगा उसको यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपको इस तरह का लोगो नहीं बनाने आता है तो उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं। लोगो यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको कुछ इस टाइप से रोटेट करना है और नीचे में ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई के ऊपर करना है ताकि व्हाइट वाला बैकग्राउंड हट जाए और इसको कुछ इस टाइप से अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पर इसको डन करना है। तो इसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार का नागपुरी फोटो एडिटिंग कर सकते हो जो कि मैंने आपको बतला ही दिया है। प्रीसेट डाउनलोड करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी फोटो को सेव करने के लिए ऊपर में डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को आसानी से गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो।